ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹੂਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 5 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। जी गांव जो थाना धीना के अंतर्गत आता है, यहाँ और आसपास की कुछ लोकल महिलाएं गाजीपुर जाकर दिन में कुछ मजदूरी का काम करती थी और वापस शाम को नाव के ज़रिए आती थी। तो आज जब वो नाव से आ रही थी तो वो नाव जो है उसमें लगभग 35 से 40 महिलाएं, जो अधिकतम महिलाएं थी वो सवार थी, और यहाँ पर घाट तक पहुँचने से थोड़ा सा पहले ही वो नाव अधिक सवारी होने के कारण टूट गई और उस कारण से वो डूब गई। तो अधिकतर जो लोग थे उसके अंदर जो अधिकतर महिलाएं थी वो तो तैरकर पार आ गई, बट उसमें 5 लोग जो हैं वो अभी लापता हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक लगभग 64 साल की हैं, एक लगभग 35 साल की हैं, और 3 बच्चियां हैं, एक 12 साल की और 2 15 साल की। राहत और बचाव का कार्य तेज़ी से चल रहा है। NDRF की टीम यहाँ पर मौके पर है और राहत बचाव का कार्य कर रही है। SDRF की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और वो भी रास्ते में है, वो भी पहुँचकर राहत और बचाव का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर जो आसपास के हमारे कुशल गोताखोर हैं उनको प्रशासन और पुलिस ने संपर्क करके तत्काल यहाँ पर आकर राहत बचाव कार्य करने के लिए बुला लिया और उनके द्वारा भी राहत बचाव कार्य किया जा रहा है।